बोलने वाले आज के 35वें राष्ट्रीय अधिवेशन में अत्र उपस्थित हमारे संविधान के घड़वैया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी का उद्घाटन करती हूँ। हमारे शिक्षा देने वाले ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जो हमने शिक्षा दी और आज हम इस हमारे कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा, उनका लहू मेरे शरीर के रगों में बह रहा है। ऐसी में आदिवासी युवती गुजरात के बामसेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के अध्यक्षा हूँ। इधर जो लगे हुए बैनर पर हमारे जो महानायक हैं, सभी महानायकों को मैं नमन करती हूँ और मंचस्थ विराजमान हमारे बामसेट के अध्यक्ष श्री सोहन सिंह और हमारे आरएमएस के अध्यक्ष ताराराम सर और हमारे आईआरएस सर सुभाष चंद्र राव और हमारे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर मान्यवर हमारे साथ नौजवान की तरह हमारे साथ दे रहे हैं वो हमारे फकीर चंद और मंचस्थ महानुभावों। हमारे इधर जो बामसेफ में हमारे सांसद सावित्रीबाई फुले ने हमको जोर तरह से हमारी महिलाओं की ताकत को बाहर लाते हुए हमारे संगठन को कारवा जो है उसे आगे बढ़ाने की बहुत सारी उम्मीद रखी है। हम सब महिलाएं इधर बैठी हैं तो हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सावित्रीबाई फुले को भी साथ दे रही हैं। सूरत जो है हमारा भारत सोने की चिड़िया माना जाता था तो सूरत हमारी सोना की मूरत होती है। हमारी गुजरात में कहावत है सूरत हमारी सोने की मूरत है। अंग्रेजों ने भी सबसे पहले भारत में आकर सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी तो हमारा ये सूरत एक यादगार क्रांतिकारी स्थल है। उस पर से हमारे ओबीसी के समाज के बिहार के 100 सभासद इस संगठन में जुड़ चुके हैं तो हमारे एससी एसटी ओबीसी सब एक साथ जुट जाएंगे तो हमारा ये संगठन का कारवा है वो आगे निकल जाएगा। हम जो जिस समाज से आते हैं हमारे वहाँ साबरकांठा हमारा जिला है, गुजरात का दूरदराज का जिला है, वहाँ हमारा बामसेव का जो संगठन है उनकी विचारधारा हमारे मान्यवर लटा साहेब जो हमारे नौजवान लटा साहेब ने उनकी नौकरी में से 2 साल पहले उनके रिटायरमेंट ली है और वो इस संगठन में जुड़े हैं। उनके गांव से मैं हूँ, उनकी बहन लगती हूँ तो हमारे मान्यवर लटा साहब ने हम सबको इतना विचार दिया कि हम गुजरात से आज हमारे साबरकांठा जिले में से अरवली जिले में से आज हम 30 लोग इधर सूरत में आए हुए हैं और जो संगठन का कारवा था वो चलाने के लिए हमारे रवजी भाई साहब ने 1 महीने से जो तन तोड़ मेहनत की थी और उनका भाई का देहांत हो गया वो अभी इस अधिवेशन में नहीं आ सके उनका भी मैं दुख व्यक्त करती हूँ। उनके भाई को भी मैं श्रद्धांजलि करती हूँ और हमारा जो संगठन का कारवा है उसे आगे बढ़ाने के लिए हम एक शिक्षिका की नौकरी कर रहे हैं फिर भी हम जो हम संडे होता है उसके दिन हमारे जीवन साथी दोनों मिलके हमारा घर का जो कुछ काम है वो करके हम समाज में निकलते हैं और समाज के लोगों को समझाने का काम करते हैं। हमारे शिक्षा अधिकारी इधर रिटायर शिक्षा अधिकारी भी हमारे साथ आए हैं, उनको हमें 5,000 रुपये डोनेट किए थे तो हमने इस संगठन के लिए राकेश भाई गरासिया को 15,000 रुपये संगठन के काम के लिए पहले से ही भेज दिए थे। तो ये संगठन का काम करना कोई नानी सुनी बात नहीं है, इसमें तन मन धन सबको साथ मिलके हमें ये काम करना है। हमारे जो यहाँ भाइयों बैठे हैं वो भी
उनके साथ अपनी महिलाओं को ले आए, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। अगली बार जो कन्वर्सेशन होगा उसमें वो अपने बहन जी को भी साथ में ले आए, ऐसी मैं इधर से उम्मीद रखती हूँ। और आप सब लोग अपने साथ पांच पांच व्यक्ति को ले आए तो हमारा ये संगठन का कारवा आगे बढ़ेगा। मान्यवर सुभाषचंद्र राम साहब कहते हैं बांसे में एक यूनिवर्सिटी है, ये विचारों दे रही है, हमें इस विचारों को समझकर हमारा जो महापुरुषों का कारवा है उसे आगे बढ़ाना है। और हमारे संविधान के बचाने के लिए हम सबको एकजुट इकट्ठा होकर हमें उस कारवा को आगे बढ़ाना है। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। तो हम सब अपना इतिहास जाने इस बांसे यूनिवर्सिटी में, ऐसी आशा के साथ मैं अपना विराम लेती हूँ। अस्तु। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।